हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नेड में। जी हाँ दोस्तों, एफसी गोवा ने अपने 7 प्लेयर्स रिलीज कर दिए, उसके बारे में बात करेंगे। एमएस जाओ ने मुंबई सिटी को छोड़ दिया है, कल ही मुंबई सिटी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया है। एंड मोतड़ा फॉल ने किस कौन से क्लब के लिए साइन किया, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाय एल टोरिटो बेंगलुरु एफसी के मिडफील्डर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर दिया है। तो आइए जानेंगे ये सब चारों टॉपिक्स के बारे में इस वाली वीडियो में। पहले बात करते हैं एफसी गोवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल ही उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। ऑलमोस्ट सभी इंडियन फैंस को पता था, इंडियन फुटबॉल फैंस को यार, कि ना रिवाइव होगा, पूरा रीबिल्ड हो रहा है। आप सभी को पता है कि एफसी गोवा ना प्लेयर्स पे प्लेयर्स साइन करी जा रही थी, सुपर कप जब भी चल रहा था एंड जब ना ऑफ सीजन चल रहा था तभी। दैट्स व्हाई कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ना 7 प्लेयर्स रिलीज कर दिए। अनवर अली है, लेनी रोड्रिगेस, रिडिन तलांग, हर्नन संताना, मकन छोटे, नोरम एंड मार्क वैलेंटिया वैलेंटी। तो ये सब है, ये 7 प्लेयर। इसमें से मैं बोल सकता हूँ मैंने 4 या 5 जन को खेलते हुए देखा है, बाकी 2 को तो मैंने देखा नहीं है। तो दैट्स व्हाई अभी आप सभी को जाएगी, इसमें से कोई कोई प्लेयर्स का डील कंफर्म हो चुका है। जैसे आप बोल सके अनवर अली जाने वाले है एटी के मुंबई। तो ऐसे ही आप बोल सके कोई कोई प्लेयर्स जाएंगे कौन से क्लब में, या तो कोई कोई प्लेयर्स अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर। जी आप अभी देख सकते हो कि एफसी गोवा का पूरा रीबिल्ड चल रहा है एंड पूरा रीचेंज होएगा। मतलब मनोहर मार्केस आ रहे हैं, वो अपने अपने प्लेयर्स को साइन करेंगे, अपने हिसाब से प्लेयर को लाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एफसी गोवा नेक्स्ट सीजन, मतलब जो यहाँ आने वाला सीजन है, उसमें फुल चेंज लगेंगे एंड एकदम सब नए नए प्लेयर्स रहेंगे। बात करेंगे अभी मोतड़ा फॉल का। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सिटी ने अनाउंस कर दिया था, आप सभी को पता है कि मोतड़ा फॉल छोड़ने वाले हैं। बट भाई यहाँ पर ओडिशा ने साइन कर दिया है एंड यस, यहाँ पर रीयूनाइट होने वाला है बिटवीन सर्जिल ओबेरो एंड मोतड़ा फॉल एंड क्या पता मे बी एमएस जाओ के बारे में। एंड जो तीसरा टॉपिक है भाई यहाँ पर एमएस जाओ। जी हाँ दोस्तों, मुंबई सिटी फैंस अभी रो रहे रहेंगे एंड मुंबई सिटी फैंस ऐसा कर रहे थे भाई वी कैनॉट रिप्लेस बेसिकली पेप के लैंग्वेज में भाई, बिकॉज एमएस जाओ जैसा मिडफील्डर अगर आपकी टीम में रहता है तो आपने देखा है, मुंबई सिटी को देखा है कितने चैंपियन टीम है, कितने टाइटल्स जीते उन्होंने, ठीक है। दैट्स व्हाई भाई कल ही अनाउंस किया एमएस जाओ का जो डिपार्चर है, या एमएस जाओ छोड़ने वाले हैं आफ्टर 3 इयर्स मुंबई सिटी को। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि मैंने बोला मोतड़ा फॉल का, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली एमएस जाओ भी जाने वाले हैं अपने फॉर्मर कोच के पास सर्जिल ओबेरो इन ओडिशा। एंड यहाँ पर एक ओडिशा की दाद देनी पड़ेगी भाई, ओडिशा एक एम्बिशियस क्लब लग रही है जिसको कुछ करना है एंड ऑब्वियसली वो लोग एशिया में खेलेंगे तो दे हैव टू साइन प्लेयर्स। तो यहाँ पर एक अच्छा लगता है कि चलो एक क्लब ट्राई कर रहा है कि ना प्लेयर्स खरीद सके एंड ना डू एक कॉम्पिटिटिवनेस ला सके, तो एक अच्छी बात है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर मुंबई सिटी फैंस थोड़े नाराज होंगे एंड थोड़े दुख होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, आपके क्लब पे भरोसा रखिए एंड ऑब्वियसली चैंपियंस से आइडिया चैंपियन क्लब है भाई, तो लोग तो साइन तो करेंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला रूमर्स आ रहे थे कि एक बाहर से फॉरेनर लाएंगे एंड एक आईएसएल में जो खेलता हुआ है उसको फॉरेनर को उठाएंगे। तो लेट्स सी अभी वो लोग कभी ऑफिशियली अनाउंस करते, बट यहाँ पर थोड़ा सा दुख तो होंगे भाई, थोड़ा क्या ज्यादा दुख होंगे हमारे मुंबई सिटी फैंस, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सब तो होता रहता है। बट बात करेंगे जो चौथा टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, एल टोरिटो जैसी लिखा मैं देख रहा हूँ, ये एल टोरिटो का मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैंने गूगल पे सर्च किया है एंड द लिटिल बुल आप लिटिल बुल बुला सकते हो सुरेश को, आप सुरेश को कांटे बुला सकते हो, बेसिकली हम तो कांटे बुलाते हैं, मैं तो बोलूंगा बेसिक कांटे। आप सभी को पता है कि कहां पर भी बॉल रहेगी उसका जो वर्क रेट प्रोवाइड करता है वो पागल जैसा करता है एंड मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो थकता ही नहीं। आप उसको 90 मिनट्स के बाद और 90 मिनट्स खिलाओगे ना, वो कुत्ते की तरह भागेगा भाई, वो ऐसे ही भागेगा। एंड यहाँ पर भाई कांटे, हमारे जो इंडियन कांटे है एकदम फुल एकदम बुइस्ट एकदम, सुरेश ने एल टोरिटो ने साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद बेंगलुरु एफसी टिल 2028। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली बीएफसी फैंस को सभी को पता ही था एंड ऐसे कोई न्यूज भी नहीं आ रही थी कि भाई सुरेश कहीं पर जाने वाला है एंड सुरेश विल स्टे एट द क्लब। तो ये यहाँ पर एक अच्छी न्यूज है एंड बेसिकली आप सभी को पता है कि ना उसका ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस मैंने देखा है वो अनलकी रहता है, बिकॉज उसके जो भी डिसीजन थे उसके अगेंस्ट थे। बट कोई नहीं, यहाँ पर एक अच्छी बात है बेंगलुरु एफसी फैंस के लिए भाई कि यस, एल टोरिटो द लिटिल बुल द लिटिल कांटे, आप कुछ भी बुला सकते हो, ही विल स्टे टिल 2028। एंड जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये जो ट्रांसफर अपडेट वाला वीडियो है वो हम लोग एंड करेंगे। एंड आप लोगों को क्या लगता है भाई, ये सब प्लेयर्स है जैसे कि एफसी गोवा के प्लेयर्स है, कौन से कहां क्लब जाएंगे एंड क्या ओडिशा एफसी ये दोनों प्लेयर्स को ला रही है, ठीक है, तो क्या ओडिशा एफसी नेक्स्ट सीजन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। एंड ऑन द अदर हैंड मुंबई सिटी कौन से 2 फॉरेनर्स को साइन करेंगी, आपको क्या लगता है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जी दोस्तों, बेंगलुरु एफसी फैंस आप कितने खुश हो भाई एल टोरिटो को 2028 तक देखते हुए, तो प्लीज लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। एंड एक और चीज गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है फॉर ऑल द इंडियन फुटबॉल डिस्कशन अपडेट्स एंड ऑल। एंड जी इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखें।
रखेगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।